नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा। आज हम सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम नमस्कार मुद्रा और हस्तोत्तान आसन का अभ्यास कर चुके हैं। एक बार फिर से हम उनका अभ्यास दोहराएंगे और उसके बाद हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सबसे पहली स्थिति सूर्य नमस्कार की नमस्ते मुद्रा करते हैं। इसके लिए आप अपने हाथों को धीरे से ऊपर की ओर उठाएं। यह हुई नमस्कार मुद्रा। अब हम सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति करेंगे, हस्तोत्तानासन। इसमें हम श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। अब हम तीसरी स्थिति करेंगे। तीसरी स्थिति होती है पादहस्तासन। पादहस्तासन करने के लिए आप अपने हाथों को, अपनी कमर को और अपनी चेस्ट को आगे की तरफ झुका देंगे और श्वास छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। अपने हाथों को अपने पैर के पंजों के पास रखेंगे और अपना माथा अपने घुटनों पर लगा देंगे श्वास छोड़ते हुए, और साथ ही साथ हम मंत्र का उच्चारण भी करेंगे। आइए करते हैं पादहस्तासन। नमस्ते मुद्रा, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सूर्याय नमः। हे विश्व के जन्मदाता, आपको नमस्कार है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। यह हुआ पादहस्तासन। पादहस्तासन करते वक्त आप ध्यान दें कि आपके पैर के घुटने ना मुड़े, और अगर आपकी पीठ में या कमर में कोई चोट है या ऑपरेशन है तो आप इसका अभ्यास ना करें। लेकिन इसका निरंतर अभ्यास करने से आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपकी कमर का एक्स्ट्रा फैट कम होता है। आज हमने तीसरी स्थिति का अभ्यास किया। कल हम सूर्य नमस्कार की अगली स्थिति का अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।